सुबह 8 बजे जाते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, घर में आके अपनों काम करते हैं। हमारा पति बारी लगाता है, हम धान गड़ाते हैं खेत में। यहाँ पे ये रीति रिवाज चली आ रही है कि लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती ज्यादा, और लड़कियों की 14 साल में शादी हो जाती, मैंने खुद देखा है। जब से मैं इन्वोनी ट्रस्ट में आई हूँ, मेरा सर से घूंघट हटा दिया है मैंने अपना। मैं खुले अपना आराम से किसी से भी बातचीत कर सकती हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। आपकी खुद की खेती है? नहीं, मजदूरी पे। मजदूरी करती है? हाँ। कितने पैसे मिल जाते हैं? 150 रुपए। उसको अपना खुद का फैसला लेना नहीं आया, उसका शादी करवा दिया, ऐसे सोच से मतलब ये आगे बढ़ना चाहिए इस समाज में। नहीं, पति से थोड़ी कराते हैं, पति से काम नहीं कराते। मजदूरी मजदूरी कर सकते, रोटी खाना थोड़ी बनाते हैं। जेंट्स अगर कमा के दे तो बोलता है कि मैं ही कमा के देता हूँ, और हम कितना भी काम कर ले तो उसका कोई महत्व नहीं है। खाना भी बनाएंगे तो बोला जाता है कि मेरे लिए खाना थोड़े बनाती हो। पहले अभी 2 साल में जब से आपने काम शुरू किया है, तो आप में क्या बदलाव आया? आपके घर में डिसीजन जो लेते हैं लोग, उसमें क्या परिवर्तन आया है? मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्त्रियों का पुरुष के समान सम्मान होना चाहिए, उनको एक समानता मिलनी चाहिए। और यहाँ की वो जो यहाँ पे कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है। यहाँ पे पढ़ाने पे बस लड़कों का वो आगे होता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। ये तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वही बेटा मेरा हाफ पैंट पहन के घूमता है तो कोई नहीं कहता कि तुम्हारा बेटा ऐसे कपड़े पहन रहे, लेकिन बेटी अगर पहन ले तो वही बोला जाता है कि तुम्हारी बेटी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, माँ ऐसी है इसीलिए बच्चे को ऐसे कपड़े ला के देते हैं। लेकिन जेंट्स का क्या है, उसका ईगो है कि मैं मर्द हूँ, वो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं भी हूँ, सुबह 6 बजे से उठती हूँ, पहले भी उठ जाती हूँ, बच्चों का हस्बैंड का नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, और फिर यहाँ पर भी आना होता है मुझे 11 बजे तक, तो सारा घर का काम टोटल रोज करके आना, फिर शाम को जाना, फिर शाम को खाना बनाना, फिर सबको खिलाना, रात तक फिर वही है, सोते सोते 11 बज जाते हैं, फिर वही रूटीन। लेडीज को ही क्यों? 8 किलोमीटर आप कैसे आते हो मनकी से पढ़ना? पहले पैदल आते थे, अब मैजिक में आते हैं। मैजिक गाड़ी है? हाँ। गाड़ी में बैठ के आते हो? हाँ। किसके साथ आए हो आप अभी? हाँ, आज किसके साथ आए हो पढ़ना? मैजिक में भैया के साथ। भैया के साथ आए हो, अकेले नहीं आते? डर लगता है आपको? अभी वो चल रहा है ना जो किडनी निकालने वाले, किडनी निकालने वाले, तो गांव में भी जाते हैं, तो इसलिए तो हम आए थे, इसलिए तो बोल रहे कि हमको जल्दी जाना। अच्छा, वो कोई किडनी निकाल लेगा? हाँ। अच्छा। और आज महिला सशक्तिकरण के परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि हमारे समाज में बहुत से बदलाव आए हैं। आजकल लेडीजे या लड़कियाँ खुद भी डिपेंड होना स्टार्ट कर दी है, वो खुल के बाहर भी काम करती है, घर में भी काम करती है, और अपना डिसीजन खुद ले पाती है। किस समय? अभी मजदूरी की समय से है क्या? कभी 2 देना लगे किसी के खेत में, किसी के खेत में 1 देना, उसके बाद फिर बैठे रहो। महिला पुरुष दैनिक मजदूरी करते हैं, चाहे वो खदानों में हो, चाहे खेतों में हो, चाहे किसी किसान के घर में हो, आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है। अभी भी मैं 2 दिन पहले महिलाओं के साथ में वो खेत में पेड़ वो लगाती, धान का रोपा लगाती है, उसमें महिलाओं को मजदूरी आधी मिलती है और पुरुष को ज्यादा मिलती है। उससे अभी भी कोई अंतर नहीं है, जैसे पहले था जमानों में वही अंतर आज भी है। न वहाँ संविधान लागू है, न कानून लागू है, वो मांगने पर भी नहीं मिलता, बोले तुम महिला हो और तुमको इतने दिया जाएगा, और वो महिलाएं को लेना पड़ता है और ले रही है। वो इनइक्वालिटी है, हम उस चीज को बोल रहे हैं कि जब तुम बात कर रहे हो, अगर मैं 100 रुपए में 8 रुपए टैक्स दे रही हूँ 180 कमा के, आदमी भी 100 रुपए में 8 रुपए टैक्स दे रहा है 200 रुपए कमा के, तो ये अंतर क्यों है? मेरी मम्मी बहुत हम लोग को मजदूरी यहाँ पे करने जाती हैं, सुबह जाती हैं 5 घंटे के लिए। कहाँ पे मजदूरी करती है? खदान में, वहाँ पे 120 रुपए मिलता, उसी से हम लोग का वो घर चलता है। फिर वहाँ से आती हैं, फिर आके बीड़ी बांधती हैं, वहाँ से फिर हम लोग 3 भाई बहन को पढ़ाती हैं, हमारे घर में बस हम लोग 4 जन हैं। लेडीज के साथ ही ये क्यों है? क्योंकि मतलब किसने बोला है कि लेडीज घर का काम भी कर सकती है और बाहर भी कर सकती है? चाहे वो कितना भी अपना कमा ले, अपने आप को कितना भी इंडिपेंडेंट कर ले, लेकिन घर की जिम्मेदारी सारी लेडीज के ऊपर ही आती है। सरपंच कौन सुनता है कि इन्हें मजदूरी दई की काम दई कि कोई देखभाल करने आज जी। पंचायत में सरपंच ने कभी काम दिलाया है मनरेगा से? नहीं, हम तो कभी नहीं गए। बेटी अपने माँ बाप का कुछ नहीं कर सकती, ऐसा लोग समाज में सुनते हैं, कहते हैं कि बेटी से बेटी क्या करेंगी, बेटी तो दूसरे के घर चली जाएगी और बेटा जिंदगी भर हमारे पास रहेंगे, इसीलिए बेटा का होना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा क्यों? बेटी नहीं रह सकती जिंदगी भर हमारे पास?
जैसे शादी हो के यहाँ पे औरतें आई, उनको फिर यहाँ से खदान ले जाया जाता है और उनकी खदान की मजदूरी उनके आदमी ले लिया करते हैं। जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, उनको नहीं दिया करते हैं, यहाँ अच्छा। तक कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं करते हैं। वो घर जाके वापस घर भी साफ करेगी, खाना भी बनाएगी, बच्चे को भी पढ़ाएगी और रात की तैयारी सुबह की तैयारी करके फिर वो जाएगी सोने। तो ये जो पेट्रियार्की है उसको चैलेंज करना, वो इक्वालिटी लाने में तो पता नहीं कितने अरबों साल निकल जाएंगे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। वी सपोर्ट एट जस्टिस।